दूसरे के साथ बात कर रहे थे, अपने प्यार के साथ वो एक दूसरे की तकलीफ और दुख को दूर कर रहे थे। इसी बीच दीपिका जो अदिति को चेक करने आ रही थी, उसने अदिति और विवान की बातें सुनी। दीपिका ने मन ही मन सोचा, भाई भाभी कितने परेशान हैं, बेबी को लेकर दोनों ही बहुत टेंस्ड हैं। दीपिका ने कुछ देर बाद आने का फैसला किया और वो वापस अपने केबिन में चली गई। केबिन में पहुंचते ही वो अपनी चेयर पर बैठी और अपने भाई भाभी की प्रॉब्लम को कम करने के बारे में सोचने लगी। तभी उसे ख्याल आया, अपना मोबाइल निकालकर उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही वो बोली, हेलो अयान भाई, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। अयान दीपिका के अचानक कॉल से सरप्राइज्ड हो गया था। वो उसकी नर्वस आवाज को सुन थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या बात है दीपू, किस बारे में बात करनी है? दीपिका थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, विवान भाई और अदिति भाभी के बारे में। अयान थोड़ा शॉक्ड हुआ, तुम उन दोनों से मिली हो, पर कब? एक गहरी सांस भरते हुए दीपिका ने कहा, भाई मैं भाभी की डॉक्टर हूँ। अयान ने सब सुन और परेशान हो गया और बोला, अदिति की डॉक्टर? अदिति को क्या हुआ है? दीपिका ने अपनी आंख बंद करी। वो जानती थी कि ये बात बताने का हक विवान भाई को ही था, पर वो अपने आप को ये बात बताने से रोक नहीं पाई। भाई, भाभी प्रेग्नेंट है। अयान चौंकते हुए बोला, व्हाट? अदिति प्रेग्नेंट? पर विवान ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? भाई प्लीज शांत हो जाइए, अभी विवान भाई को हमारी जरूरत है। ये सुन अयान ने पूछा, मतलब? दीपिका थोड़ा परेशान होकर बोली, भाई भाभी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। विवान भाई इस बात से बहुत परेशान है, भाभी और भाई दोनों ही बहुत सैड है, मुझे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आपको कॉल किया। अयान ये सुन उदास हो गया और बोला, विवान ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। दीपिका ने अयान को समझाते हुए कहा, भाई अभी उस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब विवान भाई के साथ रहे। एक गहरी सांस के साथ अयान बोला, तुम चिंता मत करो दीपू, मैं विवान से बात करता हूँ। दीपिका ने छोटी मुस्कान के साथ कहा, जी भाई, और कॉल कट कर दिया। वही रूम में विवान और अदिति एक दूसरे के साथ अपने आने वाले बेबी के बारे में बात कर रहे थे। विवान एंग्री पाउट के साथ बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डांटने वाला। अदिति ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये क्या बात हुई विवान, हम दोनों में से एक पेरेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये सुन विवान ने आर्ग्यू करते हुए कहा, तो तुम बनो ना वो स्ट्रिक्ट पेरेंट। अदिति थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, पर मैं कैसे, मैं तो कभी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकती, तुम ये रोल अच्छे से कर लोगे। याद है जब मैं तुमसे मिली थी तो तुम कैसे रूड और आर्गेंट थे। ये सुन विवान मुस्कुराया और बोला, हाँ पर तब की बात कुछ और थी, पर अब देख लो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुमसे गुस्से से बात नहीं कर सकता, और हमारे बेबी से तो बिल्कुल भी नहीं। अदिति ने फिर क्यूट फेस के साथ पूछा, अच्छा फिर बताओ, अगर बेबी ने कोई गलती की तो उसे कौन डांटेगा? डांटना क्यों है, हम दोनों मिलकर समझाएंगे, हमारा बेबी है, सब बात मान जाएगा। इस बात के साथ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराने लगे। तभी विवान का मोबाइल बजने लगा, उसने देखा कि अयान भाई का कॉल आ रहा था। अदिति ने पूछा, क्या हुआ विवान, किसका कॉल है? विवान मोबाइल दिखाते हुए बोला, अयान भाई का। अदिति ने टाइम चेक किया तो उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। इतनी रात को कॉल किया है, कुछ अर्जेंट तो नहीं, बात करो। ये बात सुन विवान ने झट से कॉल उठाया और बोला, हेलो अयान भाई। अयान धीरे से बोला, विवान। उनकी आवाज में उदासी का एहसास होते ही विवान ने झट से पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? हाँ हाँ यहाँ सब ठीक है, तू बता, तू ठीक है? विवान अभी भी अयान की बात से कन्विंस नहीं था, पर उसने जवाब देते हुए कहा, जी भाई ठीक है। अयान विवान के जवाब को सुन मायूस हो गया और बोला, विवान जानता हूं कि खून का रिश्ता नहीं है हमारा, पर दिल का तो है ना, तो दिल से मुझे अपना बड़ा भाई मानता है कि नहीं? विवान ये सुन थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया और बोला, हाँ भाई, पर आप आज ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मॉम डैड ने कुछ कहा क्या, बताइए ना भाई। अयान थोड़ा गुस्से से बोला, नहीं बात मॉम डैड की नहीं है, बात हम दोनों की है, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अभी भी छुपा रहा है। विवान अयान के गुस्से से थोड़ा शॉक्ड होकर बोला, क्या भाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, दीपिका का कॉल आया मुझे,
उसने मुझे सब बता दिया है। अयान के ये बोलते ही विवान की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। दीपू का कॉल? ये कहते ही विवान की नजर अदिति पर पड़ी, जो चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई विवान? विवान थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, भाई वो मॉम डैड वो आप सब कैसे रिएक्ट करते शादी के बाद से? वो सब अपसेट थे और अब ये बात सुन के तो पता नहीं क्या कहते वो क्या करते। अयान ने फिर कहा, चुप कर, मॉम डैड का छोड़, मुझे एक बार फोन ही कर देता यही कहने के लिए कि मेरा भतीजा या भतीजी आने वाले। इतनी बड़ी खुशी को छुपा कर रखा तूने। सॉरी भाई, मैं बताना चाहता था पर, विवान शर्मिंदा होते हुए बोला। पर तभी अयान ने कहा, अब वो बात छोड़, दीपू ने मुझे बताया अदिति थोड़ी वीक है, अब कैसी है वो? विवान ने अदिति की तरफ देखा और कहा, जी भाई वीकनेस है पर अब बेटर है। ये सुन अदिति ने धीरे से विवान का हाथ अपने हाथ में लिया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। वहीं अयान ने भी विवान को हिम्मत देते हुए कहा, तू चिंता मत कर विवान, और ऐसे उदास मत रह, तू खुश रहेगा तभी तो अपनी बेबी और अदिति को खुश रख पाएगा। देखना अदिति जल्द ही ठीक हो जाएगी और तेरा बेबी भी हेल्दी हो जाएगा। विवान मुस्कुराया और बोला, जी भाई थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सिर्फ थैंक यू, मिलने नहीं बुलाएगा? अयान की ये बात सुन विवान ने सरप्राइज होकर कहा, आप आएंगे? मतलब मॉम डैड वो? वहीं अयान मुस्कुराया और बोला, तू टेंशन मत ले, इस खुशी को सेलिब्रेट करने कोई आए ना आए मैं तो जरूर आऊंगा, आखिर मेरा छोटा भाई पापा बनने वाला है। वहीं अदिति अब विवान के चेहरे पर खुशी देख खुश हो रही थी। वो जानती थी विवान अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था पर उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता था। जब भी वो अयान या दीपिका से बात करता तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाता था। अयान से बात करने के बाद विवान ने अदिति की तरफ खुशी से देखा और बोला, अदिति अयान भाई परसों हमारे घर आ रहे हैं, वो तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर इतने खुश थे कि क्या बताऊं यार, वो तो अपने आने वाले भतीजे या भतीजी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अदिति ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी अयान भाई से मिल लूंगी। विवान ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनसे मिलने के लिए। दिख रही है तुम्हारी एक्साइटमेंट, अदिति बोली। तो विवान ये सुन थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोला, अच्छा और कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें? अदिति ने हैरानी से पूछा, क्या? विवान शरारती मुस्कान के साथ उसके थोड़ा करीब आया और बोला, मेरी आंखों में तुम्हें अपने लिए प्यार नहीं दिखता। अदिति ने फिर दबी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। विवान ने उसके दोनों गालों पर किस किया और बोला, अच्छा अब दिखा मेरा प्यार? अदिति मुस्कुराई और शरारती अंदाज में उसने फिर कहा, नहीं। विवान ने उसके होठों पर किस किया और फिर धीरे से पूछा, अच्छा अब? अदिति ने बंद आंखों के साथ कहा, नहीं। लगता है सही से अपना प्यार जताना पड़ेगा। विवान हंसा और एक बार फिर अदिति को किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अदिति ने अपनी आंखों को खोला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपना प्यार दिखाने की जताने की जरूरत नहीं है विवान, तुम्हारे दिल पर हाथ रखते ही महसूस हो जाता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। विवान मुस्कुराते हुए अदिति के हाथ को अपने दिल पर रखते हुए बोला, वो तो होगा ही, परमानेंटली तुम्हें यहाँ बसा जो रखा है मैंने। अदिति ये सुन ब्लश करने लगी और फिर उसने विवान के चेहरे को ध्यान से देखा, वो काफी टायर्ड लग रहा था। अदिति ने फिर कहा, विवान तुम यहाँ मेरे पास ही लेट जाओ ना, मुझे तुम्हें गले लगाकर सोना है। विवान ने बेड को देखा और बोला, इतनी सी जगह में कैसे दोनों सो जाएंगे जान, तुम रेस्ट करो। अदिति ने ना में सिर हिलाते हुए सिद्ध करते हुए कहा, नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, आओ ना विवान हम एडजस्ट कर लेंगे। विवान एक गहरी सांस के साथ बोला, ओके फाइन। अदिति ने बेड पर थोड़ी जगह बनाई और विवान एडजस्ट होते हुए लेट गया, पर बेड पर थोड़ी जगह होने के कारण दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए थे। हालांकि अदिति को अपने करीब महसूस कर विवान को अलग ही सुकून मिल रहा था, पर अदिति के लिए जगह बेड पर कम जगह को देख उसने कहा, जान अगर अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो बता देना। अदिति मुस्कुराई और विवान के दिल पर धीरे से किस करते हुए बोली, तुम्हारे करीब रहकर मैं कैसे अनकंफर्टेबल फील कर सकती हूँ? ये सुन विवान थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने अदिति को अपने और करीब कर लिया। अदिति ने फिर आंखों को बंद करते हुए कहा,
मेरी फेवरेट जगह है सोने की, तुम्हारी बाहों में। विवान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे भी तुम्हें अपनी बाहों में रखना, अपने करीब रखना बहुत पसंद है जान। आदिति ने अपना सिर विवान के सीने पर रखा और मुस्कुराने लगी। विवान ने फिर आंखों को बंद करते हुए एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, रेस्ट करो। आदिति भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, तुम भी रेस्ट करो विवान। वही अयान अभी भी विवान और आदिति के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि विवान कहीं ना कहीं मॉम डैड के उसकी और आदिति की शादी को एक्सेप्ट ना करने वाली बात से बहुत दुखी था। मैं जानता हूँ विवान, तुम मॉम डैड को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी परेशान हो, पर इतनी बड़ी खुशी में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी सोनिया रूम में आई और बोली, किस खुशी की बात कर रहे हो अयान? सोनिया को रूम में देख अयान अपनी खुशी जाहिर करने से रोक नहीं पाया और झट से उसे हग कर लिया। सोनिया सरप्राइज्ड हो गई और बोली, अयान बताओ तो क्या हुआ? अयान ने उसकी तरफ खुशी से देखा और हंसते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस ताई जी। ताई जी? सोनिया कंफ्यूज्ड थी, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि अयान क्या कह रहा था। वो सरप्राइज्ड होकर बोली, ओह माय गॉड, मतलब अदिति विवान। सोनिया के चेहरे की खुशी देख अयान ने कहा, हाँ सोनिया, अदिति प्रेग्नेंट है, मुझे आज ही दीपिका का कॉल आया था। सोनिया ने अयान को गले लगाकर कहा, ये तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। फिर एक साइड स्माइल के साथ अयान बोला, खुशी की तो बात है सोनिया, मगर पर विवान ये बात हमें बताने से कतरा रहा था। दीपिका ने नहीं बताया होता तो हम आज भी इस खुशी से अनजान होते। पर क्यों? सोनिया ने पूछा। अयान एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं उसके साथ बात करके उससे मिलकर मॉम डैड मुझसे भी रिश्ता ना तोड़ ले। तुम जानती हो दीपिका बता रही थी कि अदिति की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस वजह से वो अदिति और विवान बहुत परेशान है। मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ इस समय जब उसे उसके परिवार की जरूरत है। ये सुन सोनिया को अदिति और विवान की बहुत फिक्र होने लगी। वो टेंस्ड होकर बोली, अब तो मुझे भी अदिति और विवान से जल्द मिलना है। दोनों कहेंगे नहीं, पर फैमिली के साथ की जरूरत तो सबको होती है। अयान ने धीरे से कहा, हाँ मैंने विवान को कह दिया है कि हम परसों उनसे मिलने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया तुमने, मैं दोनों के कान खींचूंगी पहले तो, कि इतनी बड़ी खुशी की बात कोई छुपाता है क्या? तुम भी अयान? सोनिया कहते कहते रुक गई। उसने देखा कि अयान अभी भी विवान को लेकर परेशान था। वो उसके करीब गई और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए उसने कहा, अयान तुम अब इस बात से उदास मत रहो कि विवान तुमसे बात शेयर नहीं कर रहा था, उसे तुम्हारी फिक्र थी, वो बस तुम्हारे और मॉम डैड के बीच कोई टेंशन नहीं चाहता था। अयान ने सोनिया की तरफ उदास होकर देखा और बोला, हाँ सोनिया विवान की सिचुएशन उसकी टेंशन समझता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि वो मॉम डैड की वजह से कहीं ना कहीं आज भी उदास है। काश मॉम डैड भी हमारी तरह उन दोनों का प्यार और खुशी को समझ पाते। सोनिया मुस्कुराई और अयान के गाल पर किस करते हुए उसने अयान की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, आज इतनी बड़ी खुशी मिली है, इस खुशी पर एक कोशिश तो और बनती है। ये सुन अयान की आंखों में खुशी झलक आई। सोनिया की आंखों में विश्वास और प्यार को देख अयान ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अयान को खुश देख सोनिया भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। रमाशंकर जी और वसुधा जी अयान की बात से अभी भी शॉक थे। रमाशंकर जी बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं ये देख वसुधा जी भी उनके पीछे कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि रमाशंकर जी विंडो के पास खड़े कुछ सोच रहे थे। उनके पास जाकर वसुधा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, आप अयान की बात के बारे में सोच रहे हो? रमाशंकर जी ने कुछ सोचते हुए कहा, वसुधा क्या अयान ने जो कहा वो सच है या सिर्फ हमें मनाने के लिए वो झूठ बोले जा रहा है? वसुधा जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मुझे विश्वास है अयान झूठ नहीं बोल सकता, कहीं कहीं विवान ने ही तो ये झूठी खुशखबरी ही नहीं दी उसे। रमाशंकर जी ये सुन गुस्से से भरी हंसी हंसते हुए बोले, उसे लगता है कि हम ये खबर सुनकर उसके पास दौड़े चले आएंगे, सब माफ कर देंगे, जो भी उसने हमारे साथ किया सब भूल जाएंगे। वसुधा जी ने कुछ सोचते हुए कहा,
मुझे तो लगता है कहीं ये प्लान भी उसी लड़की का तो नहीं, ताकि हम उसे मेहता खानदान की बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ले। रमाशंकर जी ने धीरे से सिर हिलाते हुए इरिटेट होकर कहा, जो भी हो, उस लड़की और विवान की वजह से आज ये पहली बार हुआ है कि अयान ने मुझसे और तुमसे ऊंची आवाज में बात की है। ये सुन वसुधा जी भी गुस्से से बोली, हाँ आज मुझे भी बहुत हैरानी हुई देखकर कि अयान ने उस विवान के लिए हमारे सामने आवाज उठाई। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस। वहीं अयान अपने रूम में गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। कोई इतना ईगोइस्टिक कैसे हो सकता है सोनिया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा विवान के बारे में। सोनिया ने उसके सामने आकर उसे रोका और बोली, अयान रिलैक्स, हम फिर से बात करेंगे। इतना सुनते ही अयान ने गुस्से से कहा, नो, हम अब कोई बात नहीं करेंगे। दैट्स इट सोनिया, वो नहीं मानने वाले। उनके लिए उनकी रेपुटेशन, सोसाइटी में उनका स्टेटस ज्यादा मैटर करता है, अपने बच्चों की खुशी नहीं। सो लीव इट। सोनिया ने अयान को समझाते हुए कहा, अयान प्लीज, हमें उन्हें एक बार फिर समझाना चाहिए, हम ऐसे गुस्से में सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अयान ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, कितनी बार तो समझाया, बट दे डोंट वांट टू लिसन। उन्हें अपने स्टेटस से प्यार है, तो रहे उसी के साथ। मैं विवान का बड़ा भाई हूं, मैं तो उसका साथ दूंगा। सोनिया ये सुन चुप हो गई। उसके पास अयान की इस बात का कोई जवाब नहीं था। अयान ने फिर सोनिया की तरफ देखा, जो खुद काफी उदास लग रही थी। एक गहरी सांस भरकर अयान उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ उसने प्यार से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मॉम डैड के साथ चलने की उम्मीद लेकर बैठी हो, पर सोनिया ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो नहीं मानने वाले। वो शुरू से ही ऐसे ही है, चाहे मेरे कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो या दीपिका और मेरा बर्थडे, उन्होंने हर इम्पोर्टेंट डे को मिस किया जस्ट बिकॉज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी या कोई इम्पोर्टेंट फैशन इवेंट। मॉम डैड के लिए सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। सोनिया ने अयान की तरफ उदासी से देखा और बोली, अयान, पर इतनी बड़ी खुशी के मौके पर भी वो दोनों। सोनिया की बात को काटते हुए अयान ने नफरत भरी आवाज में कहा, अगर उनके लिए ये खुशी का मौका होता तो दादा दादी बनने की न्यूज सुनते ही वो आज ही विवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाते, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने जब विवान और अदिति के रिलेशन को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो क्यों होगी वो उनकी खुशी में शामिल। अयान, सोनिया और कुछ कह पाती कि अयान ने उदासी भरी मुस्कान के साथ फिर कहा, हम ही पागल थे सोनिया, जो एक पल के लिए ये सोचने लगे कि शायद शायद इस नए मेहमान के आने की खुशी को सुन मॉम डैड के अंदर की सब कड़वाहट मिट जाएगी, वो अदिति और विवान को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट वी वर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। मॉम डैड के लिए हमारी खुशियों से ज्यादा उनकी रेपुटेशन जो प्यारी है। अयान के चेहरे पर उदासी देख सोनिया ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर अपना सिर रखा। दोनों एक दूसरे के साथ खामोशी में बैठे थे कि तभी अयान का मोबाइल बजने लगा। सोनिया ने उठकर मोबाइल चेक किया और कहा, दीपिका का कॉल है। अयान ने गहरी सांस भरकर कहा, स्पीकर पर रखो। सोनिया ने कॉल पिक करते ही स्पीकर पर रखा और कहा, हेलो दीपिका। सोनिया की आवाज सुनते ही दीपिका ने खुश होते हुए कहा, हेलो भाभी, कितने दिनों बाद आपसे बात हुई है। सोनिया ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नॉर्मली जवाब दिया, हाँ वो सॉरी, वो मॉम के साथ मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। ये सुन दीपिका ने एक्साइटेड वॉइस में कहा, कोई बात नहीं, अब तो कल हम मिल ही रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। अयान की तरफ देख सोनिया ने धीरे से कहा, हाँ। दीपिका ने सोनिया की आवाज में उदासी को महसूस कर लिया था, पर फिर अपना वहम समझते हुए उसने फिर पूछा, अच्छा भाभी, भाई कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी थी। हाँ एक मिनट। सोनिया ने ये बोल मोबाइल अयान के हाथ में दे दिया और वापस उसके पास ही बैठ गई। हाँ दीपू बोलो। अयान की आवाज सुन दीपिका मुस्कुराई और खिलखिलाते हुए बोली, भाई थैंक यू सो मच। ये सुन सोनिया और अयान दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। सोनिया ने फिर पूछा, थैंक यू किस बात के लिए। दीपिका ये सुनते ही खुशी खुशी बताने लगी, अरे भाभी मैंने कल भाई को कॉल किया था कि आप कुछ करो जिससे विवान भाई और अदिति भाभी बेटर फील करें, और अयान भाई ने वही किया। पता है आप दोनों के आने की न्यूज से विवान भाई और अदिति भाभी बहुत खुश है, विवान भाई तो बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। दीपिका की बातों को सुन अयान और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ उदासी से देखा। वहीं दीपिका ने फिर कहा, बहुत मजा आएगा, मैं बुआ बनने की खुशी सेलिब्रेट करूंगी, आप ताऊ जी ताई जी बनने की खुशी और मॉम डैड वो दोनों दादा दादी बनने की खुशी सेलिब्रेट करेंगे। मॉम डैड की बात आती अयान का दिल बैठ गया। वो कैसे बताता दीपिका को कि मॉम डैड इस खुशी में शामिल नहीं हो रहे थे। अयान को उदास देख सोनिया की भी आंखें नम हो गई थी। दीपिका को एहसास हुआ कि अयान और सोनिया ने काफी देर से उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने धीरे से पूछा, भाई भाभी क्या हुआ।
सोनिया ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा। कुछ 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 भी तो नहीं, दीपिका ने फिर पूछा। तो आप मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम? इस बार आयान ने कहा, नहीं दीपिका, सब ठीक है। दीपिका अभी भी कन्विंस नहीं हुई थी। उसने जिद करते हुए फिर पूछा, नहीं नहीं, आप दोनों की आवाज से लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, वरना इतनी अच्छी न्यूज से तो आप दोनों की आवाज से खुशी झलक जानी चाहिए, पर आप दोनों तो कुछ उदास और परेशान से सुनाई दे रहे हैं। बताओ ना भाई, भाभी, क्या हुआ है? अयान और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ देखा एक गहरी सांस भरकर। जैसे ही अयान दीपिका को सब बताने ही लगा था कि तभी सोनिया ने उसे रोका और इशारे से मना कर दिया। अयान ने आंखों में उदासी के साथ कहा, जानता हूं तुम दीपिका का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर जब कल हम जाएंगे तब तो उसे सब पता चल ही जाएगा। वो पूछेगी ना कि आखिर मॉम डैड क्यों नहीं आए। सोनिया ने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया। अयान ने प्यार से उसका हाथ थामा और दीपिका से कहा, दीपू, कल बस हम दोनों ही आ रहे हैं, मॉम डैड नहीं। ये सुन दीपिका ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? क्या फिर से कोई मीटिंग या पार्टी है क्या जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो इतने बड़े मौके पर भी नहीं आएंगे? अयान ने उदासी भरी हंसी के साथ कहा, ये तो उन दोनों का हमेशा से है, इसमें नया क्या है? पर दीपू, बात सिर्फ यही नहीं है, मॉम डैड अभी भी विवान से नाराज है, गुस्सा है, वो इस खुशी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो हमें भी आने से मना कर दिया था, पर मैं इस बार उन दोनों की नहीं सुनूंगा। मैं विवान का बड़ा भाई हूँ, उसे मेरी जरूरत है और मैं उसका साथ दूंगा। अयान की बात सुन दीपिका ने गुस्से से कहा, मतलब मॉम डैड अभी भी विवान भाई और अदिति भाभी की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मुझे लगा था इतनी बड़ी गुड न्यूज है, इसे सुन वो दोनों पिछली सभी बातों को भुला देंगे। अयान ने फिर कहा, ये गलतफहमी मुझे भी हुई थी दीपू, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो दोनों अभी भी अपने स्टेटस को लेकर परेशान है। दीपिका अपने भाई की आवाज से ही समझ गई थी वो बहुत हर्ट हो गया था। दीपिका ने समझाने की कोशिश में कहा, भाई आप एक बार और। इतना कहते ही अयान ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रहने दे दीपू, वो दोनों नहीं मानने वाले, बट तू उदास मत हो, कल मैं और तेरी सोनिया भाभी दोनों आ रहे हैं, हम सब हैं विवान और अदिति के साथ। अयान की बात से सहमत होकर सोनिया भी बोली, हाँ दीपिका, विवान और अदिति की इतनी बड़ी खुशी में हम सब उनके साथ रहेंगे, वो दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। दीपिका ने भी अपनी उदासी को छुपाते हुए खुश होकर कहा, यू आर राइट भाभी, आप दोनों और मैं, हम मिलकर उनकी इस खुशी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये सुन अयान और सोनिया के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। वहीं रमाशंकर जी और वसुधा जी अपने कमरे में अभी भी अयान के बिहेवियर को लेकर टेंस थे। दोनों अभी भी अयान के अहमदाबाद जाने की न्यूज से परेशान थे। तभी वसुधा जी का मोबाइल बजा। कॉलर आईडी पर दीपिका का नाम देखते ही उन्होंने कॉल पिक करके थोड़ा रूडली कहा, हेलो दीपिका, व्हाट हैपेंड, कुछ काम है क्या? अपनी मॉम की वही फॉर्मल टोन सुन दीपिका ने उदासी को छुपाते हुए गुस्से से कहा, यूजुअली मॉम को जब कॉल करते हैं तो उनका पहला सवाल अपने बच्चों से ये होता है कि वो ठीक है कि नहीं, पर आप, खैर ये तो हमेशा का ही है। एक गहरी सांस भरते हुए वसुधा जी ने कहा, दीपिका ऐसा नहीं है, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो। एक बार फिर चिढ़ते हुए दीपिका बोली, आप कब बिजी नहीं होते, और मैं जानती हूँ अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपके पास। दीपिका, वसुधा जी की बात को काटते हुए दीपिका ने कहा, आपको मेरी, अयान भाई और विवान भाई की खुशी कभी नजर आई ही नहीं है। ये सुन वसुधा जी ने इरिटेट होकर पूछा, क्या कहना चाहती हो दीपिका? यही कि इतनी बड़ी खुशी है हमारे परिवार के लिए और आप इस खुशी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दीपिका की बात सुन वसुधा जी ने चिढ़ते हुए कहा, हो तो अयान ने तुम्हें सब बता दिया। वसुधा जी के ये कहते ही रमाशंकर जी उसकी तरफ देखने लगे। वहीं दीपिका ने कहा, एक्चुअली मैंने उन्हें ये गुड न्यूज दी थी। इतना सुनते ही वसुधा जी ने झट से पूछा, तुमने, तुम्हें विवान ने बताया? देखो तुम्हारे डैड को, और मुझे लगता है कि विवान झूठ बोल रहा है ताकि वो हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। दीपिका ये सुन गुस्से से बोली, आप विवान भाई के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, वो ऐसा कभी कुछ करने का सोच भी नहीं सकते हैं मॉम। वसुधा जी ने फिर गुस्से से कहा, कैसा विश्वास, विवान ने उस लड़की से शादी करके हमारा ट्रस्ट कब का तोड़ दिया है, मुझे लगता है कहीं ये उस लड़की का कोई प्लान। दीपिका ने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, मॉम मैं अदिति भाभी की डॉक्टर हूँ, मैंने उन्हें चेक किया है, शी इज प्रेग्नेंट। आप अदिति भाभी को इतना गलत क्यों समझ रहे हो? कैसे ना समझूं, उसने विवान से शादी कर ली, उसे अपना और हमारा स्टेटस डिफरेंस तो देखना चाहिए था। वसुधा जी की ये बात सुनते ही दीपिका ने गुस्से से कहा, अयान भाई सही कह रहे थे, आपके और डैड दोनों के लिए स्टेटस, रेपुटेशन, ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसुधा जी आर्ग्यू कर पाती कि तभी दीपिका ने फिर कहा,
यू नो व्हाट मॉम, आप और डैड हमेशा से ही ऐसे थे। हयान भाई सही कह रहे थे, पर मैंने सोचा शायद एक कोशिश मैं भी कर लूं। बट नो, मैं गलत थी। रहिए आप अपनी सो कॉल्ड रेपुटेशन स्टेटस के साथ, क्योंकि मैं, अयान भाई, सोनिया भाभी, हम तीनों विवान भाई और अदिति भाभी के साथ हैं। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। दीपिका तुम, हेलो हेलो। वसुधा जी कुछ कह पाती उससे पहले ही दीपिका ने कॉल कट कर दिया। ये देख रमाशंकर जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही थी दीपिका? वसुधा जी गुस्से से विंडो के बाहर देखने लगी और बोली, हमें भी अहमदाबाद जाना होगा।